भाई 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 तो कहां उम्मीद थी तो दोस्तों अभी सिया भाई 2 बजे लगभग बाहर आए थे और लगभग इन्होंने सिया भाई ने बोला कि नमाज पढ़ो और 5 टाइम का भाई ने और जो ब्रेसलेट हाथ में गले में चैन है कान में बाली है तो ये नहीं रखना चाहिए ये भाई को देखिए कर सकते हो वो क्या है ऐसा घूम के निकालने का आराम से तो क्या भाई ने उस भाई को बोला कि आप बाली निकालो क्या बोला आपको कान की बाली निकालने को बोला है अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका मोहम्मद हुसैन तो ये बाली क्यों किस ऐसे ही शौक में डाल दी थी अच्छा अच्छा आराम से आराम से आप भाई को बोला वो निकाल नहीं निकल रहे आराम से बाद निकल जाएगा निकल जाएगा नहीं नहीं अभी नहीं वो आप बाद में निकाल लेना ठीक है ना अभी यहाँ से जाने के बाद वहाँ वो निकलता है नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है जी 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 कितना साल से वो डाल रहे हो ये तीन साल के लगभग अब आगे जी मालूम अब मालूम पड़ गया आप होना है जी जी माफ कर दिया अल्लाह अब मालूम पड़ गया ना आपको अगर आप पे नहीं है तो आप बहुत बड़ा गुनाह है तो आपको नहीं पहनना चाहिए श्या भाई को आपने अभी देखा कैसा लगा आपको उन्होंने बताया नमाज पढ़ो और बहुत अच्छा लगा जी जी नमाज पढ़ोगे ना इंशाल्लाह जी शुक्रिया ओके अच्छा आपने अभी श्या भाई को देखा अच्छा वहाँ थे कितने टाइम से इंतजार कर रहे हो आप कहाँ से आए हो आप फरीदकोट से आए हो यहाँ से ही अच्छा कुछ कहना चाहते हो और बस यहाँ भाई के लिए दुआ करना है जी सही से पहुँच जाए उनका सफर सही जारी रहे जी हम लोग मिले बहुत अच्छा लगा हम लोग कल से उनका साथ में आ रहे हैं अच्छा श्या भाई क्या बोल रहे थे अभी हम लोग को समझाया है जी अच्छे बात अभी क्या बोल रहे थे आप अभी यही बोल रहे थे नमाज के बारे में सियाब भाई बोल रहे थे उम्मत के हालात को देखते हुए तेज तेज नमाज को इम्पोर्टेंट समझा जाए उसको फर्स्ट नंबर पे लाया जाए जी, और जी. उन सबको नमाज की दावत दी गई जी ठीक है और मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत ताकत दी उनसे सफ़र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बताया कि सफ़र मेरा बहुत अच्छा चल रहा है जी बस यही है और बाकी क्या नाम है आपका मोहम्मद हारिश ये यहाँ का लोकेशन क्या है ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये फरीदकोट अच्छा पंजाब फरीदकोट जी आप कहाँ से हो मैं यूपी से हूँ अच्छा यूपी से देखने आए हो यहाँ यूपी से आया हूँ मैं देखने अभी पढ़ाई चल रही थी इधर मेरी जी जी तो भाई रहते हैं इधर वो थोड़ा अपना बीमार करते हैं उनके पास आया था पता चला सियाब भाई नहीं है जी के वेट में मैं यहाँ पे रुका थोड़ा स्टे किया उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए आया जी और माशाल्लाह दुआ कीजिए उनके लिए अल्लाह उनका सफर और भी आसान है इंशाल्लाह लखनऊ से आना हुआ है अच्छा अच्छा आपने देखा अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ अच्छा अच्छा घर तो इसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आने में जी आया हूँ आधा घंटा पहले आया हूँ अच्छा आपको कैसे पता चला यहाँ से आप भाई रुके हुए हैं जी लोकेशन के द्वारा आना हुआ अच्छा ठीक आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आने में तो आपने अभी देखा नहीं देखा मैं रोटी खाने चला गया अच्छा लगभग कितना टाइम हो गया आपको 3-4 घंटे हो गए ना हाँ जी 1 बजे आए अच्छा कहाँ से आए हो आप रहने वाला तो बिहार का हूँ लेकिन जम्मू में हूँ अच्छा जम्मू से आए हो आप कितना कितने दिन का सफर रहा आपका कहाँ कब रवाना हुए वहाँ से हम तो परसों को निकले हैं कल बैठे हुए थे कहीं मेहमानी में तो फिर आज सुबह 7 बजे से निकले हैं अच्छा अच्छा अभी तक इधर चला गया था कोटपुरा से फिर जी जी ठीक है शुक्रिया आप देख सकते हैं श्या भाई यहाँ इस महाराजा ढाबा में रुके हुए हैं और लगभग टाइम हुआ है 2 बज रही है माशाल्लाह सिया भाई ने अभी नमाज पढ़ने का बोला है काफी लोग मिलने आए हैं सिया भाई से यहाँ जी सरदार जी मिलने आए हैं देख सकते हैं आप पाजी नमस्कार वो कल वाला आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है यूट्यूब पर और आपने अच्छा वो संदेश दिया आप क्या कहना चाहते हो उनके बारे में और कुछ बोलना चाहते हो संदेश जी मैंने मैसेज दिया अच्छा मैसेज दिया था संदेश जी जी संदेश तो वही है जी लेकिन मैं तो बार बार यही बात कहना चाहता हूँ कि यार
एकता बना के रखो जी। मुसलमान और सिख कम्युनिटी की एकता क्यों टूट रही है जी? पता नहीं, कई बार कई मुस्लिम भाईचारे से भी मैंने पूछा है, वो ये सोचते हैं कि यार सिख कम्युनिटी में हम जब जाते हैं जी तो सिख कम्युनिटी हमें साथ नहीं लेके चलती जी। जी अगर सिख को पूछते हैं वो बोलते हैं मुसलमान कम्युनिटी हमें साथ नहीं लेके चलती जी। एकता 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 होनी जरूरी है, होनी जरूरी है। अगर एकता नहीं होगी, जो पहले हमारे ऊपर धार्मिक जो अत्याचार होता आ रहा है और राजनीतिक अत्याचार होता आ रहा है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमारी कम्युनिटी तो पहले ही कम है, अगर कम कम्युनिटी है हमारी, अगर हम पहले तो कम्युनिटी को बढ़ाना चाहिए वो जरूरी है, लेकिन वो जो है वो कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं हम घटा रहे हैं, हम एकता भी घटा रहे हैं वो एकता बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? सॉल्व तभी होगी जब एकता बनाए रखेंगे जी। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं जो सिया भाई को देखने के लिए और रुके हुए हैं। अभी सिया भाई कुछ समय पहले आए थे, 10 मिनट पहले। तो आप कुछ कहना चाहते हो निसार भाई? अभी सिया भाई लगभग 2 बजे आए थे बाहर होटल से, उन्होंने नमाज पढ़ने के बारे में और एक लड़के ने जो कान में बालियाँ पहन रखी थी उसके बारे में क्या बोला सिया भाई ने? तो सिया भाई बोलते हैं ना, वो कोई हाथ में कड़ा पहने या फिर गले में चैन पहने या कान में बाली पहने तो उनके लिए सिया भाई मनाही करते हैं और वो नमाज की दावत हर किसी को देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि हमारे लिए वो एक दीन की जो दावत है वो हमारे लिए देते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा संदेश है और मैं भी इसको अच्छा ही कहूँगा, हर कोई अच्छा कहेगा और ये होना भी चाहिए। मगर जो हम रोजाना सुन रहे हैं, रोजाना सुनकर भी ये बात अमल में नहीं ला रहे हैं, इसका बड़ा दुख होता है जी। जी क्योंकि जो लोग रोजाना सुनते हैं ना वो लोग यहाँ भी आते हैं और फिर वो जिस बात के लिए मना करते हैं वही चीज लेकर सामने आ जाते हैं फिर भी जी। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन बातों से लगता है कि उन बातों का असर हमारे ऊपर नहीं है और जबकि होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संदेश सिया भाई देते हैं उसको फॉलो करें और उस संदेश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, नमाज पढ़ें और जो दीन से दूर करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप देख सकते हैं गफ्फार भाई अभी YouTube पे लाइव हो रहे हैं और गफ्फार भाई की मुस्कुराहट देखो, मुस्कान जो कमेंट वाले ने तो दोस्तों अभी सिया भाई लगभग 2 बजे यहाँ जब बाहर आए थे होटल के और उन्होंने लगभग अच्छा मैसेज दिया। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आज है हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। फरीदकोट और मुदकी के बीच